मानव शरीर में किडनी एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है, जिसका काम आपकी बॉडी में रक्त को साफ करने का होता है। लेकिन क्या हम अपनी किडनी का ध्यान रखते हैं? शायद नहीं। और जब हम अपनी किडनी का ध्यान ही नहीं रखेंगे तो आपको क्या लगता है, आपकी किडनी स्वस्थ रह पाएगी? आज हम आपको कुछ ऐसे आहारों के बारे में बताने वाले हैं जिनका सेवन आपकी किडनी को खराब होने से बचाएगा। हमारी आज की जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है, इसको जानने के लिए आपको हमारी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना होगा और आप इस वीडियो को कम से कम 10 लोगों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि आपके अपने इस जानकारी से वंचित ना रहें। हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल किडनी फेलियर ट्रीटमेंट प्रेजेंटेड बाय कर्मा आयुर्वेदा, जहां हम आपको किडनी से जुड़ी जरूरी जानकारी देते हैं। और आज हम आपके सामने बड़ा ही दिलचस्प विषय लेकर आए हैं, तो चलिए जानते हैं ऐसे आहार जिनका सेवन आपकी किडनी को हमेशा ठीक रखता है। जिसमें से पहले हम बात करते हैं कुछ विटामिन्स के बारे में। अगर आप अपनी किडनी को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो आप अपने रोजाना के आहार में विटामिन डी का सेवन करें, जो आपकी किडनी को मजबूत बनाता है। इसके साथ ही विटामिन B6 आपकी किडनी में स्टोन की समस्या को रोकता है और विटामिन C आपकी किडनी को खराब होने से बचाता है। तो अपने आहार में इन विटामिन्स का सेवन जरूर करें। अब बात करते हैं सब्जियों के बारे में। अपनी किडनी को स्वस्थ रखने के लिए आप अपने आहार में मौसमी सभी सब्जियां खाएं, और खास तौर पर वो सब्जियां जिसमें सही मात्रा में पानी हो। इससे आपकी किडनी अंदर से साफ रहेगी और किडनी के काम पर कोई दबाव नहीं होगा। अगर आप अपने रोजाना के आहार में घिया, खीरा, मूली, टिंडा जैसे आहार लें तो ये आपकी किडनी के लिए फायदेमंद होगा। नेक्स्ट है सेब का सिरका। अगर आप रोजाना सेब के सिरके का सेवन करते हैं तो ये आपकी किडनी को डिटॉक्स करने का एक अच्छा और प्राकृतिक उपचार है। सेब के सिरके में एंटी बैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं, जो किडनी में संक्रमण के खतरे को दूर करते हैं। किडनी को स्वस्थ रखने के लिए आप नियमित रूप से पानी का सेवन जरूर करें। सही मात्रा में पानी का सेवन आपकी किडनी को अंदर से डिटॉक्स रखने में मदद करता है, जिससे आपकी किडनी अपना काम ठीक तरह से कर पाती है। पानी का सही मात्रा में सेवन आपकी बॉडी की गंदगी को यूरिन के माध्यम से साफ करने में मदद करता है। आपको रोजाना 3 से 4 लीटर पानी का सेवन जरूर करना चाहिए, और अगर आप दिन में एक बार नींबू डालकर पीते हैं तो ये भी आपके लिए अच्छा होता है। इसके साथ ही अदरक भी आपकी किडनी को स्वस्थ बनाए रखने का एक अच्छा और बेहतर साधन है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि अदरक का उपयोग औषधि के रूप में भी किया जाता है। अदरक में मौजूद जिंजरोल एक एंटी बैक्टीरियल एजेंट की तरह काम करता है, जो किडनी में बैक्टीरिया को फैलने नहीं देता और बॉडी की अनचाही सूजन को भी कम करता है। इसके साथ ही अजवाइन का सेवन भी आपके लिए काफी लाभकारी माना जाता है। अजवाइन का सेवन किडनी के काम में उसकी मदद करता है। इसका सेवन किडनी को डिटॉक्स करके टॉक्सिन्स को यूरिन के रास्ते बॉडी से बाहर करता है। आप रोजाना अजवाइन का पानी पी सकते हैं, और रोजाना अपने खाने में हल्दी का प्रयोग जरूर करें। हल्दी लो यूरिन वॉल्यूम, रीनल फेलियर और कुछ सामान्य इन्फेक्शन के इलाज में काफी प्रयोग में लाई जाती है। हल्दी का सेवन आपको इन्फेक्शन के खतरे से बचाता है, बॉडी की अंदरूनी सूजन को भी कम करता है। इसके अलावा किडनी स्टोन और किडनी सिस्ट के खतरे को भी कम करता है। इसलिए आप सभी लोग अपने रोजाना के आहार में इन चीजों को जरूर शामिल करें। इससे आपकी किडनी कभी खराब नहीं होगी और आप किडनी फेलियर के खतरे से भी दूर रहेंगे। किडनी के लिए अगर आप कोई इलाज लेना चाहते हैं तो आयुर्वेदिक इलाज सबसे सुरक्षित है, क्योंकि आयुर्वेदिक इलाज में आपकी किडनी को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता। अगर आप किडनी के लिए सबसे अच्छा आयुर्वेदिक उपचार चाहते हैं तो इसके लिए आप कर्मा आयुर्वेदा से संपर्क कर सकते हैं। कर्मा आयुर्वेदा आपको पूरी तरह प्राकृतिक इलाज देता है, जिसका आपकी बॉडी पर कोई बुरा प्रभाव नहीं होता और आप डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट की तकलीफों से भी दूर रहते हैं। अगर आप किडनी से जुड़ी किसी भी परेशानी में हैं और अच्छा और बेहतर उपाय चाहते हैं तो आप कर्मा आयुर्वेदा से संपर्क कर सकते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ और मैं फिर आऊंगी एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।